नमस्कार, मैं हूँ आपके समाज के बारे में। आप देख रहे हैं इस वक्त हो गया है देश और दुनिया के कुछ खास खबरों का। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का सस्पेंशन 31 मई 2021 तक बढ़ा दिया है। यह प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय और कार्गो ऑपरेशन और उड़ानों पर लागू नहीं होगा। साथ ही जरूरत पड़ने पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय रूट पर संबंधित अथॉरिटी की मंजूरी के बाद उड़ानों को संचालित किया जा सकता है। दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के चलते अस्पतालों में बेड की संख्या में भी बढ़ोतरी की जा रही है। दिल्ली सरकार अपने अधीनस्थ अस्पतालों को कोविड अस्पताल बनाकर बेड की व्यवस्था कर रही है। वहीं केंद्र सरकार भी अपने अधीनस्थ अस्पतालों में लगातार बेड की व्यवस्था कर रही है। केंद्र सरकार ने अपने अधीनस्थ लेडी होर्डिंग मेडिकल कॉलेज में 240 बेड की व्यवस्था करने की तैयारी की है। अगले 2 सप्ताह के भीतर इसकी सुविधा मरीजों को मिलने लगेगी। उत्तर प्रदेश के हाथरस की कोतवाली सादाबाद क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। आरोप है कि 28 अप्रैल की रात को नाबालिग युवती अपने घर से पड़ोसी के घर गई थी, जहां से लौटते वक्त गांव के 2 युवक मुकेश पुत्र मोहन और सौरभ पुत्र संजय द्वारा उसके साथ गलत काम किया गया। इसकी सूचना मिलते ही तत्काल कोतवाली सादाबाद पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। कोरोना की दूसरी लहर है, देश में कोहराम मचा रखा है। ऐसे में कुछ लोग सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ पोस्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ऐसे में खबर है कि राज्य सरकार सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट डाले वालों पर कार्रवाई का मन बना रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यहां आदेश देते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन बेड दवाइयों आदि की पोस्ट करने वाले पर कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र राज्यों डीसीपी को आदेश देते हुए कहा है कि अगर अफवाह फैलाने के नाम पर कार्रवाई की तो अवमानना का मामला चलाएंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए हरियाणा सरकार ने आज रात 10 बजे से प्रदेश के 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। ये लॉकडाउन आज शुक्रवार रात 10 बजे से 3 मई सुबह 5 बजे तक रहेगा। जिन 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन लगेगा उनमें पंचकूला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, करनाल, फतेहाबाद, हिसार, सिरसा शामिल है। कोविड 19 से जूझ रहे मुंबई में रौहक की उम्मीद नजर आई है, जहां संक्रमण दर गिरकर 10% से कम हो गई है। बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने शुक्रवार को जानकारी दी है। चहल के मुताबिक मुंबई में संक्रमण दर 29 अप्रैल को 9.94% थी, जब कुल 43,523 नमूनों की जांच में से 4,323 लोग संक्रमित मिले थे। महाराष्ट्र में 1 मई से कोरोना वायरस टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने को लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने शुक्रवार को कहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का मानना है कि राज्य में टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत महाराष्ट्र स्थापना दिवस से हो। ऐसे में टीकाकरण की शुरुआत करने के लिए 1 मई को राज्य में टीकाकरण कार्यक्रम का नाम पत्र के लिए उद्घाटन किया जाएगा। राजधानी मुंबई में एक 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार के आरोप में एक 23 वर्षीय मेडिकल स्टूडेंट को अरेस्ट किया गया है। गुरुवार शाम की यह घटना मुंबई के जोगेश्वरी इलाके की है। आरोपी की पहचान सुनील सुखराम गुप्ता के रूप में हुई है। पीड़ित बच्ची उसके घर में किराए पर अपने परिवार के साथ रहती थी। कोरोना की दूसरी लहर से सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र में हेल्थ एक्सपर्ट्स की चेतावनी को देखते हुए अभी से ही तीसरी लहर की तैयारी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हेल्थ एक्सपर्ट से बातचीत का हवाला देते हुए कहा है कि राज्य में जुलाई और अगस्त तक तीसरी लहर आने की संभावना है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले से भाजपा के सांसद डॉक्टर सुजय विखे के मामले को कोर्ट ने बड़े ही गंभीर तरीके से लिया है। भाजपा के सांसद डॉक्टर सुजय विखे पर आरोप है कि उन्होंने महामारी जैसे समय में 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की खरीद फरोख्त की और उन्हें अपने पास इकट्ठा किया। इसके बाद कोर्ट ने महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय को आदेश दिया है कि दिल्ली से पुणे लाई गई रेमडेसिविर की जांच करे और एयरपोर्ट पर मौजूद सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराए। तो खास खबर के देश और दुनिया की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।